प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया, शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा के पिता के देहांत पर श्रद्धांजलि देने अजमेर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार जनता के साथ लगातार कुठाराघात कर रही है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच फ्यूल चार्ज में बढ़ोतरी की गई है, जिसके कारण 500 करोड़ से अधिक का भार आम जनता पर पड़ा है। इससे पहले ही पेट्रोल डीजल को लेकर जनता राजस्थान में परेशान है। इसे लेकर केंद्र ने जनता को राहत दी, लेकिन राज्य इस पर कोई राहत नहीं दे रहा। इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पत्र लिखा है और उसमें कहा गया है कि राजस्थान में सबसे अधिक कीमत पर पेट्रोल डीजल के दाम है, ऐसे में राजस्थान सरकार को राहत प्रदान करनी चाहिए। डॉक्टर प्रियशील हाड़ा जी के पिताजी के स्वर्गवास पे संवेदना व्यक्त करने के लिए आया हूँ और अभी पार्टी का चिंतन शिविर है पुष्कर में अजमेर देहात का, उसके समापन में शिरकत करूँगा। तो स्वाभाविक तौर पर व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर मैं अजमेर के एक दिन के उसमें आया हूं। आपके कोई सवाल हैं स्वागत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री कितने झूठे हैं उसकी एक वानगी है। अपने भाषणों में भी, 2018 के चुनाव अभियान में भी और जन घोषणा पत्र में ये कहा कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे और नियमित आपूर्ति करेंगे। राजस्थान में पिछले दिनों के ऐसे प्रसंग हैं कि जिसमें कड़ाके की ठंड के कारण पिछली बार काफ़ी किसानों की रात को खेतों में मौत हो गई और इस समय जो टैरिफ बढ़ाई है 500 करोड़ से भी ज़्यादा का भार कंज्यूमर्स पर पड़ेगा फ्यूल चार्जेस के कारण। दूसरा, किसानों को कनेक्शन का पैसा ले लिया 25 करोड़ से भी ऊपर और उस पर अभी कनेक्शन हुए नहीं, दो दो साल हो गए। आपूर्ति भी लगातार कटौती की शिकायतें बराबर आई हैं। कोयले की कमी का कारण कहा गया, लेकिन कोयले को पहले केंद्र ने उनको डिसाइड किया देने का, तो उन्होंने खुद ने इसको टालते रहे, स्टॉक नहीं किया। तो कुल मिलाकर बिजली के मामले में उपभोक्ताओं के साथ, किसानों के साथ ठगी की रही है। अभी दो मुद्दे इस समय प्रदेश में खासतौर पर चर्चित हैं। एक लगातार जनता की मांग थी डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज कम करके रिलीफ देने का। राजस्थान के सीमावर्ती प्रदेशों में वैट कम होने के कारण, कीमतों के अंतर के कारण डीजल और पेट्रोल बड़ी तादाद में स्मगल होता है और उसके कारण राजस्थान के रेवेन्यू को भी लॉस है, पेट्रोल पंपों के ऊपर भी एक तरीके की बड़ी मार है और राजस्थान के ऐसे 1700 पेट्रोल पंप हैं जो लगभग बंद होने की स्थिति में हैं। मुख्यमंत्री जी अक्सर जब बेबस और लाचार होते हैं तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं, उनकी आदत है। उनको अनुसरण करते हुए हमने भी सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री ने तो बात मान ली और उन्होंने देश में एक्साइज को कम करके राजस्थान के लोगों को भी 5 रुपये और 10 रुपये तक का उनको रिलीफ यहाँ के उपभोक्ताओं को मिली। प्रश्न ये है कि वैट को कम करेंगे तो राजस्थान में सर्वाधिक वैट है, 26 रुपये और 36 पैसे डीजल और पेट्रोल पर वैट है। ये यदि कम होता है तो राजस्थान के उपभोक्ताओं को बड़ा